हेलो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एलन कब कब छुट्टी देता है। जैसे कि हम अभी ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं जबकि जो राखी है वो बीत गया है, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए, हम सभी पूरे साल का हम बताएंगे कि कब कब छुट्टी देता है एलन, कब कब छुट्टी मतलब कितने दिन का मिलता है, वो सभी चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लगातार देखते रहिएगा क्योंकि हर जो फेस्टिवल आता है वो हर चीज़ हम बताने बताएंगे, जो आपको उससे अच्छा मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कब कब मतलब छुट्टी मिलता है। तो देखिए, अब इसके बाद तो मतलब दशहरा आएगा, ठीक है। उसका बहुत सारे मतलब स्कूल में भी कोचिंग में मतलब उसका छुट्टी मिलता है। तो देखिए, इसमें एलियन जो है वो छुट्टी नहीं देता है दशहरा का। और हाँ, एक बात बता दें कि ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है, मतलब इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था, पार्ट वन है वो, जो कि उसमें भी बताए थे, लेकिन हम पार्ट टू इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अब इस समय क्या चल रहा है उसको लेकर हम बता रहे हैं, ताकि क्योंकि वो पुराना वीडियो हो गया है तो उसमें पुराना चीज़ बताए हैं, तो इसमें कुछ नया जो भी होगा वो बता देंगे दोस्तों। और हम आप लोगों को बता दें, जो पार्ट वन हम बनाए थे तो उसका भी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं जो पार्ट वन बनाया था। और ये उसका पार्ट टू है जो कि एक ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें कुछ अगर होगा कुछ नया तो इसीलिए हमने नया बनाया है। ये पार्ट टू और पार्ट वन भी आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो जाइए और देखिए। तो जैसे कि दशहरा का जो छुट्टी है वो एलन नहीं देता है, तो और कहीं भी मिलता होगा लेकिन एलन नहीं देता है। और इसके बाद दिवाली आता है और छठ आता है दशहरा के बाद, तो दिवाली और दशहरा का छुट्टी मिलता है पर छठ का नहीं मिलता है, दिवाली का मिलता है। और दशहरा का हम बोले नहीं मिलता है और दिवाली का मिलता है, वो एक वीक का मिलता है। तो वो आप लोग वे एक वीक मिलता है, जैसे कि दिवाली जिस दिन है उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद जुड़ सकते हैं, और एक दिन वो मतलब एक सप्ताह के करीब 7 या 8 दिन का या 9 दिन का, इतने दिन का दिवाली का मिलता है। और इसके बाद छठ का नहीं मिलता है क्योंकि दूसरे स्टेट में है कोटा, तो वहाँ छठ नहीं होता है, इसीलिए नहीं दिया जाता है। इसके बाद आप लोग जैसे कि सोचते होंगे कि मतलब जो विंटर होता है ठंडा आता है उसका भी छुट्टी अगर देता होगा तो उसका भी छुट्टी नहीं मिलता है एलन में, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर सब मेंटेन रहता है, उसका छुट्टी नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप लोग ये भी क्वेश्चन रहता है कि बैच जैसे कि बंद हो रहा है, बैच जैसे बंद हो गया, जैसे हम 11th में भी पढ़ रहे हैं तो 11th का मतलब ख़त्म हो गया सिलेबस सब कुछ, तो छुट्टी मिलता है या नहीं, क्योंकि फिर दोबारा 12th में जाना रहता है, तो उसका जो छुट्टी मिलता है वो 1 मंथ या 1.5 मंथ का वो छुट्टी नहीं बोल सकते हैं, वो गैप है, क्योंकि जैसे कि सेशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप लोगों को गैप मिलेगा 1 मंथ या 1.5 मंथ का। तो जैसे कि नया बैच जो फरवरी या मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है तो उसमें एडमिशन होने लगता है, और कितने मतलब स्टूडेंट कराते हैं जाकर एडमिशन, तो वो मतलब छुट्टी भी मान सकते हैं, गैप जो भी है वो मतलब मिलता है। इसके बाद आप लोग समर वैकेशन का सोच रहे हैं, वो भी मिलता है, तो उसका भी नहीं मिलता है एलन में। तो केवल एलन मतलब दिवाली का ही छुट्टी देता है एक तरह से, और राखी जो पहले बीत चुका है उसका भी छुट्टी एलन नहीं देता है, केवल दिवाली का देता है एक वीक का। और हाँ, उसमें भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, जैसे कि एक दिन पहले और एक दिन बाद, जैसे कि छुट्टी होने वाला है आज से, तो आज से छुट्टी अगर हो रहा है तो आज से एक दिन पहले होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और आज के जब छुट्टी जैसे ख़त्म होने वाला रहेगा, जैसे आज छुट्टी ख़त्म हो गया तो उसके एक दिन बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहेगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी छुट्टी के रिलेटेड जो कि एलन देता है छुट्टी। तो देखिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं नए पार्ट में, ये पार्ट टू जो है, पार्ट टू में मतलब इसलिए है कि जो अभी चल रहा है वो हम बता दिए। इसके बाद आप लोगों को और भी कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी पूछना होगा, आप लोग कमेंट करिएगा, हम वहाँ पर आप लोगों को आंसर दे देंगे। अगर आप लोगों को मतलब उसके रिलेटेड वीडियो देखना होगा तो वो भी बता दीजिएगा, हम उसके रिलेटेड वीडियो बना देंगे, जो कि उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम सही देंगे। तो और इस वीडियो में कुछ नहीं, बस इस वीडियो में यही है। तो आप लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, आपके अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप लोग मतलब
वीडियो को तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो एलियन के रिलेटेड, मतलब या कोटा के कोई भी कोचिंग के रिलेटेड या और भी कोई भी चीज़, जैसे कि कितने लोग नीट के लिए जाते हैं, आई टी, जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी चीज़ इस पर देते हैं, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो और इस वीडियो में कुछ नहीं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।